किशनगंज में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किशनगंज रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स साइंस के दर्जनों छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली और हस्ताक्षर अभियान चलाकर क्षेत्र के लोगों को तंबाकू निषेध के महत्व के प्रति जागरूक किया। किशनगंज प्रखंड क्षेत्र के गाछपाड़ा पंचायत अंतर्गत टेंगरी मारी फातिमा नगर में संचालित रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के निर्देशक मिसबाहुद्दीन अल बुखारी के नेतृत्व में निकाली गई जागरूकता रैली में दर्जनों छात्र छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को अपनी जिंदगी में तंबाकू का सेवन नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक किया। तंबाकू जो हम लोग सेवन कर रहे हैं आजकल के तौर पे इसे नहीं करना चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और इसे अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए लोग आमतौर पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसे बंद करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही कि हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना है, बंद करना है इसे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शहनाज खातून हो गया। समाज को संदेश यही देना चाहते हैं, नशा मुक्ति होना चाहिए, खैनी का सेवन नहीं करना चाहिए। खैनी से तरह तरह का बीमारी होती है, कैंसर होता है, इस तरह का बीमारी को जैसे इसको नशा मुक्ति होना चाहिए। क्या नाम हो गया? अशरफ उल्लाह। ये हमारे पंचायत के बेलवा चौक में रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी साइंस के द्वारा जो है आज हमारे रेडिएंट कॉलेज के जो चेयरमैन है वो अपने सारे टीम को लाकर अपने बेलवा चौक में ये तंबाकू नशा मुक्त को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आज ये बहुत बड़ा पहल कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है और इसको ये मैसेज सारे पंचायत से ले